डिंडोरी सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लग्जरी वाहन क्रेटा में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर जौलपुर लेकर जा रहे दो आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे जौलपुर अमरकंटक में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 71 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जिसकी कीमत लगभग 7,15,400 रुपये है तथा क्रेटा जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपये आरोपियों के पास से नकदी सह जब्त की गई। उसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 71 किलो गांजा प्राप्त हुआ है और उसमें दो आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है, जिनमें एक रुपोली लेकर रहने वाला है उमेश सिंह और एक विशाल है, ये कटनी के रहने वाला है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और संभवतः इनके और भी साथियों होने की संभावना है, जिस पर पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करके कार्रवाई करेगी। कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? अभी तक की पूछताछ में ये उड़ीसा से उन्होंने बताया है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए ये गांजा लेके आ रहे थे और इसे उन्हें जबलपुर लेकर जाना है। लगभग कितनी कीमत का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किए गए? 7,15,000 सर। गांजे के साथ और भी कुछ बरामद हुआ है क्या आरोपियों से? गांजे के साथ और भी कुछ बरामद हुआ है क्या आरोपियों से? नहीं, अभी तो गांजे का ही है और तलाशी में और कोई ऐसा संदिग्ध चीज या हथियार आदि नहीं प्राप्त हुए हैं। ये संभावित है कि इनके साथ और भी लोग रहे हों, क्योंकि इनके फोन की हमने वो किया जाँच और इसमें लगातार संभावित है कि इनके साथ दो चार साथी और होंगे, तो उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है और उन्हें भी गिरफ्तार किया। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।